बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साहिबा करो खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। आज एक स्पेशल प्रोग्राम है, इस वजह से हम लोगों को अपने ऑफिस से लेकर यहाँ तक बहुत अच्छा खासा लंबा सफ़र तय करना पड़ा है। मैं मौजूद हूँ, सबसे पहले आपको बता दूँ बहरिया टाउन क्यों मौजूद हूँ, ये अब मैं आपको बताने से पहले एक छोटी सी तमीर बात पर, और वो ये है कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर सिर्फ मैं अपने प्रोग्राम के हवाले से बात करूँ ना, तो मेरे रेशो के अतबार से 3 साल में सबसे ज़्यादा प्रोग्राम जिस हवाले से मुरतब हुए हैं वो है पानी की कमी, पानी की अदम दस्तियाबी के हवाले से। और इसी हवाले से आज आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं। घर घर लोग किस तरीके से बहरिया टाउन के जाकर जो है दरवाजे खटखटा खटखटा कर किस तरीके से जो बहरिया टाउन के कुछ लोगों की टीम बनी है और वो किस तरीके से फंड रेजिंग कर रही है डैम के लिए, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो प्यासी ना रहें, इस वजह से जो यहाँ पर पूरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। बहुत कुछ दिखाने के लिए आपको आज के प्रोग्राम में है मेरे साथ। ये सबसे अच्छा, जानते हैं कि कब लगता है सबसे अच्छा आपको, और एक हौसला और एक आपको करेज उस वक्त मिलता है जब किसी कॉज के लिए जो है वो लोग इस हद तक इन्वॉल्व हो जाएं और उस कॉज को वाकई में कॉज समझा जाना चाहिए, और वो जब समझते हैं कि वाकई में इसकी ज़रूरत है और तमाम लोग एक बंद मुट्ठी की तरह जो है वो एक जगह जमा हो जाते हैं एक कॉज के लिए, तो उस वक्त वाकई लगता है कि उम्मीद की किरण अभी बाकी है। जब हम बात करते हैं पानी की और डैम के हवाले से, ये फैसला को के बहुत पहले लेना चाहिए था, अब तक ये डैम तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अभी चूँकि हम लोग बहरिया टाउन में मौजूद हैं, एक चीज़ आपको मैं बता दूँ आपको कि ये एक ऐसा एरिया है, ये एक ऐसी जगह है, अगर देखा जाए ना तो जिस तरीके से यहाँ पर फंड रेज करने के लिए और इसके हवाले से जो ये डैम बनाने के हवाले से जो काविशें जारी हैं, जो यहाँ के रिहायशी हैं अपनी मदद आपके तहत, अगर देखा जाए ना तो यहाँ पर इस जगह पर पानी का कोई मसला ना है और हो सकता है आने वाले दिनों के लिए हो भी ना, लेकिन बाकी पाकिस्तान के लिए पानी की कितनी किल्लत हो सकती है और इसका क्या नुकसान हो सकता है पाकिस्तान को, सिर्फ इस प्रॉब्लम को देखते हुए लोग अगर अपने घरों से बाहर निकलकर जो है वो अपने अपने एक ख़ास जितनी उनकी कैपेसिटी है उसमें रहते हुए अगर कोई किसी चीज़ के किसी कॉज के लिए एफर्ट कर रहे हैं उसको सराहा जाना चाहिए। उसी काविश को सराहने के लिए आप जानते हैं कि आज हम भी इतनी दूर आए हैं, तो ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं ज़रा यहाँ पे जो लोग हैं। जाहिर है कि कोई कॉज होता है तो वो उस वक्त कॉज बनता है कि जिस वक्त वहाँ के जो लोग हैं उस मुल्क के लोग हैं वो उसको ओन करें। ओन कितना किया आपने इस जो ये डैम बनाने के लिए, जो ज़ाहिर वज़ीर आज़म हमारे जो हैं इमरान ख़ान साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी ये काविश है कि डैम बनना बहुत ज़रूरी है। वैसे ये मैंने आपने सुना होगा, मैं ये अभी बता ही रही थी कि टेक्निकली ये डैम बहुत पहले बनाने चाहिए थे, लेकिन बहरहाल अभी देर से ही सही, लेकिन अभी बहुत ज़रूरी है आने वाले दिनों के लिए। लेकिन आप लोग तो जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर तो पानी का कोई मसला ना है ना आने वाले दिनों में हो सकता है, फिर भी आपने इतना महसूस किया कि ये वाकई बहुत बड़ी ज़रूरत है। मैम, वाटर जो है, पानी का मसला या आने वाली जनरेशंस, ये सिर्फ एक एरिया के लिए नहीं बल्कि ये इट्स अ थ्रेट टू पाकिस्तान। और जिस तरह से हमारे रिसर्चर्स कह रहे हैं कि बाय 2025 पानी का पाकिस्तान का जो ज़खीरा है इट्स अबाउट टू एंड, तो ये कॉज सिर्फ बहरिया टाउन की नहीं, ये पाकिस्तान की कॉज है, और हम इसमें अपना एक छोटा सा ड्रॉपलेट डालना चाहते हैं, इसमें अपना छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। तो इसके तहत हमने एक कम्यूनिटी ड्राइव शुरू की जिसमें हर रेजिडेंट ने जो है ये आइडिया आया हमारे कमांडर जुल्फ़िकार साहब की तरफ से, पहले वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को हरा भरा जो आपको बहरिया टाउन नज़र आ रहा है, तो ये ग्रीनरी जो है वो डेफिनेटली उनका जो है एक मिशन था, और इसी को हमने एक सोसाइटी बनाई बहरिया टाउन गो ग्रीन सोसाइटी, तो ये बच्चे उसके एम्बेसडर्स हैं। इससे पहले हम एक फ्लावर शो भी कर चुके हैं, उसमें गार्डनिंग के हवाले से, प्लांटेशन के हवाले से इन बच्चों ने बहुत, पर मैंने प्रोग्राम भी किया जी बिल्कुल, आपके चैनल ने हमें कवर भी किया था, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इसी ड्राइव को उन्होंने आगे बढ़ाया और हमने वाटर कंजर्वेशन, क्योंकि पानी जितना हम यूज़ कर सकते हैं वो बहुत कम, जिसको यूज़ेबल वाटर वो बहुत कम अमाउंट में हमारे पास है, तो बच्चों को ये बताना है कि डेली यूज़ में हम उसको सेव कैसे कर सकते हैं। एक वो थ्रेट है कि पानी इज़ अबाउट टू एंड,
तो इसको हम सिर्फ पैसों से नहीं कर सकते, हमें कौमी तौर पे सोच बदलना होगी। यानी कॉज को कॉज समझना होगा कि ये कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। और दूसरी बात ये कि हम लोग हमेशा से सुनते हुए आए थे, कम से कम मैं तो अपने बचपन से सुनती आ रही थी कि आने वाले दिनों में जो जंगें होंगी वो ज़मीन की बुनियाद पर नहीं बल्कि पानी की बुनियाद पर होंगी। तो उस वक्त यकीन, चूँकि पानी की उस वक्त इतनी लग नहीं रहा था कि इतनी कमी होगी, तो उस वक्त ये समझ में नहीं आ रहा होता था कि पानी के ऊपर जंग कैसे हो सकती है। आज जो हालात हैं उसको देख के लग रहा है हकीकतन अगर हमने डैम नहीं बनाया अगली जंग पानी पर ही होगी और बहुत बड़े पैमाने पर होगी। खुदा ना खासा इस जंग से बचाने के लिए, अपनी आइंदा आने वाली नस्ल के इस जंग को से उनके जो खतरात हैं जंग के उससे दूर रखने के लिए जो है ये डैम बनाने का फैसला किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने अपने वक्त में से, अपने आपने पैसों के अगर उसके हवाले से बात की जाए, आपके जज्बे के हवाले से बात की जाए, आप लोगों ने वाकई बहुत बड़ा काम किया। लेकिन इस वक्त मुझे नज़र आ रहे हैं बड़े प्यारे प्यारे से बच्चे, और ये बहरिया टाउन स्कूल एंड कॉलेज के बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चे। वालेकुम अस्सलाम। डैम के लिए तो तुम्हें अंदाज़ा है बस ये कि डैम कितना ज़रूरी है पानी, क्योंकि बच्चों को अमूमन कहा जा रहा होता है कि उनको दो बाल्टियाँ पानी मिल जाए ना उनके दिन भर में उनकी ज़रूरत के मुताबिक, तो शायद उनको, मेरा ऐसा ख्याल था कि शायद बच्चों को इतना एहसास ना हो, लेकिन तुम्हें, आप लोगों को देखकर खुशी हो रही है कि आप लोग इसी एज से जो है आप लोगों को ये एहसास है। किस चीज़ ने आपको जो था वो इतना इस हवाले से जो था वो इस बात के ऊपर जो था वो आपको इनकसार किया कि भाई आप जो हैं डैम के लिए जो है आपको भी कुछ करना चाहिए, हालांकि आप तो बहुत छोटे हो भी। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में पानी की बहुत शॉर्टेज है और तो ऐसे इलाकों में पानी बिल्कुल भी नहीं है। पानी हमारी बेसिक नीड है, हम लोग, हमें डैम बनाने की बहुत ज़रूरत है और हमारा मेन स्लोगन है सेफ वाटर एंड सेफ फ्यूचर। बहुत अच्छा स्लोगन है। आप बताइएगा कि चिलचिलाती गर्मी है, अभी कराची में तो खैर गर्मी पड़ रही है अभी भी, और इस गर्मी में आप लोग बाहर निकले हुए हैं पानी के लिए, आप लोगों ने अपना जो एक इसी हद तक जितना आपका ये बहरिया टाउन है उसी हद तक जो है आप लोग एक बहुत बड़ा एक काम कर रहे हैं। तो बच्चे ने तो बता दिया कि इसका तो स्लोगन जो था वो उसे समझ में आ गया, आपको क्या समझ में आया कि आपने इसके लिए सोचा कि नहीं पानी के? अभी सादिया ने बताया कि ये एक किसी स्पेसिफिक रीजन की बात नहीं है, इट्स अबाउट आवर कंट्री, और आने वाला वक्त ऐसा है कि शायद हमें पानी जिस तरीके से अब जितना मिल रहा है वो भी ना मिले। यहाँ पर बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जहाँ बच्चों को पीने का साफ पानी भी नहीं मिलता, तो अगर हमें आगे अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है तो हमें पानी किसी भी सूरत में बचाना है, और डैम उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक बेसिक नेसेसिटी है जो कि होनी चाहिए। यानी डैम बनना इतना ही ज़रूरी है कि जिस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का वजूद ज़रूरी है, हमारे लिए डैम बनना अब उतना ही ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, फॉर श्योर। तो आपको भी लगता है कि इसी तरीके से पानी के लिए जो काविश की जा रही है, ये डैम बनाने के लिए की कोशिश की जा रही है, आप भी अपने लेवल पर इसी तरीके से काम कर रही हो जैसे आपके साथी कर? यस। मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, इससे पहले भी बहरिया टाउन के इस लेवल तक जो है वो बहुत सी ऐसी काविशें की गई हैं कि जो कि एक सोसाइटी के लिए, कराची के लिए या फिर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा जो है उसका सूदमंद साबित हो सकती थी। जैसे कि हम लोगों ने हमेशा ये बात की जब भी हमने प्रोग्राम किए इस हवाले से कि दरख्त लगाना, पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले भी इन्होंने एक जो थी वो मुहिम जो थी यहाँ पे चलाई थी, जिसके हवाले से आपने हमारा प्रोग्राम भी बहुत पसंद किया था, हमने यहाँ पे किया था प्रोग्राम कि ग्रीनरी के लिए यहाँ पर अपने लेवल तक जो है इन्होंने बहुत सारे पौधे जो थे वो लगाए थे। इसी तरीके से आज ये उससे भी बड़ा मकसद है, ये उससे भी बड़ा कॉज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पानी आपके ख्याल में इस वक्त जो है हम जिस हालत में हैं तो उसमें पानी वैसे ही बहुत कम है, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आने वाले चंद सालों में अगर डैम नहीं बना तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान खुशहाली का शिकार हो जाएगा, जैसे कि दुनिया के बहुत से ममालिक हैं। तो हम तो रेगिस्तान में नहीं बन सकते, हमारे साथ तो कुछ दूसरे मसाइल भी हैं, वरना हम, तेल भी हमारे पास नहीं है, कि वरना हम यही हमारे पास बहाना होता कि तेल है, चलो रेगिस्तान बन गया तो क्या हुआ, ले दे के हमारे पास यही मादनियात और यही हमारे पास जो जंगलात और ये पहाड़ी सिलसिले हैं, अगर पानी कम हो गया तो ज़ाहिर है कि वो सब के सब जो हैं उनमें ज़ाहिर है कि वो उनके भी खदशात लाहक हो जाएंगे, उनके भी ख़त्म होने के। आपको किस चीज़ ने इस कॉज के लिए जो था वो एकदम सोचने पर मजबूर किया कि नहीं इसके लिए अब हमें भी कुछ करना होगा, जो कर रही है गवर्नमेंट, जो कर रही है अदलिया, जो उन्होंने इस हवाले से एक्शन लिया सो लिया, हमें भी अपनी कैपेसिटी में कुछ करना चाहिए? जी बेसिकली पानी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस, फॉर फ्यूचर, फॉर आर किड्स।
एक्चुअली हर साल जो अभी जो जैसे अदलिया ने जो भी फैसला किया हुआ है, इससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही हैं। सबसे पहले तो प्लांटेशन के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लोग इतने अवेयर ही नहीं कि जो है पौधे लगाए जाएँ, दरख्त लगाए जाएँ, कोई इतना अवेयर नहीं है। तो हम जितना मैक्सिमम कोशिश कर सकते हैं अपने इस कॉज के थ्रू कि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग के लिए लोगों को जो है ना मोटिवेट करें, और जो है ना प्लांटिंग से बिकॉज जैसे बारिश हो जाती है, हर साल बारिश होती है, वैसे ही दुनिया भर में बारिशें अब कम हो गई हैं, मौसम चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है बहुत ज़्यादा, तो उस हवाले से भी बारिश होती है। यहाँ सारी बारिश जो जितना भी पानी आता है वो सब ज़ाया हो जाता है बिकॉज ऑफ डैम, हमारे पास डैम ही नहीं है। ये सिर्फ जो मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन, मुझे सिर्फ ये बताइएगा, आप लोगों का तो जोश जज्बा देखने में आ रहा है, मुझे ये बताइएगा जो बाकी रहायशी हैं, क्या जो यहाँ के बाकी रहने वाले हैं, क्या उनमें भी यही इस कॉज के लिए इसी तरह जज्बा पाया जाता है डैम बनाने की? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ बहरिया टाउन कराची के अंदर जितने भी रेजिडेंट्स हैं वो ख़ास तौर पर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं। हम लोगों ने डैम के हवाले से जो फंड रेज किया, जितना भी हमने फंड यहाँ पर इकट्ठा किया है, उन लोगों ने बढ़ चढ़ कर सबने हिस्सा लिया। बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना ये बड़ा ज़रूरी होता है, जैसे कि कहा जाता है कि बहुत सी जंगें जो होती हैं वो तलवार से नहीं जीती जाती, वो जज्बे से जीती जाती हैं। तो ये भी एक तरीके से एक जंग, मैंने इस तरीके से कहा है कि अगली जंगें पानी की बुनियाद पर होंगी, तो ये भी एक जंग है एक तरीके से। तैयार हैं इस जंग को जीतने के लिए? बिल्कुल, इसकी तैयारी शुरू कर ली है, क्योंकि पहले बच्चों को तैयार करना है, ये फ्यूचर है, इनको पता चलना चाहिए कि पानी कैसे सेव करना है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और ज़रात के लिए पानी लाजमी है, हमारे पास कोई और चीज़ नहीं है एक्सपोर्ट करने के लिए। हमारे घर में हमारी फसल उगेगी तो गंदम आएगी, चावल आएगा तो हम खाएंगे, लेकिन पानी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। पानी होगा तो सिर्फ चावल और फसल की बात नहीं है, खुदा ना खास्ता हमारे हाथ से मादनियात भी जाएंगी, हमारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा खुदा ना खास्ता अगर पानी नहीं रहा। डैम कितना ज़रूरी है आपके ख्याल में? जैसे कि हम सबको पता है पानी ज़िंदगी है, पानी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इस कुरा अर्ज़ पे जो हम मौजूद हैं तो उस पानी की वजह से, और हमारे मुल्क में जो शॉर्टेज और जो इन्फॉर्म किया जा रहा है हमें इस हवाले से, तो हमने जो स्टार्ट की है यहाँ पे बहरिया टाउन में अपने बच्चों से, और उनमें बड़े भी शामिल हैं, उनमें सारे लोग शामिल हैं, इसलिए शामिल किया है ताकि हम सबको इसकी अहमियत का अंदाज़ा। और हम जो फ़ंड रेज कर रहे हैं उसमें हमने पहला चेक चीफ जस्टिस साहब को इस्लामाबाद में पेश किया था, सेकंड चेक हमने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जाके उनको पेश किया है, और ये बच्चे सब और हम सब लोग अवेयर हैं इस बात से कि अगर पानी नहीं होगा तो फिर हम सब ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, ज़िंदगी बचाने के लिए हमें पानी सेव करना है। ये मत सोचिएगा कि कितना आप अमाउंट दे रहे हैं, ये सोचिएगा कि देखें अमाउंट की बात नहीं होती, बात होती है जज्बे की। अगर आपने अमाउंट बहुत सारा दिया लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है ना कि ये कितना ज़रूरी है और आपने बस दे दिया उसमें, और एक जज्बे के साथ कि नहीं मुझे पाकिस्तान के लिए भाई बचाना है पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान के बचाव का मामला है, ये मामला जो है वो सिर्फ पानी का नहीं है कि हम दो वक्त नहा लें या हम लोग जो हैं वो हमारे पास पानी इतना हो, पानी जो है वो ज़रात, क्योंकि ज़रई मुल्क है पाकिस्तान जैसे कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इसके अलावा भी पाकिस्तान के वजूद बरकरार उसी वक्त रह सकता है, ये समझ लीजिए बात, कि जब डैम बनेगा। डैम बनाने के मामले में अगर कोई इसकी मुखालफत कर रहा है तो सीधे लफ्ज़ों में आप उसको कह लेंगे वो पाकिस्तान के शायद जो उसका वजूद है उससे इनकार कर रहा है, या फिर पाकिस्तान के लिए उसके वो अजाइम नहीं है जो कि एक मुहिब वतन किसी भी शख्स के हो सकते हैं, या फिर किसी भी पार्टी या फिर किसी भी लेवल पे जो है आप इसको सोच सकते हैं। डैम बनना इस वक्त दूसरे लफ्ज़ों में ये सुन लीजिए और समझ लीजिए कि पाकिस्तान की बका का दूसरा नाम है। बहरहाल अभी आपको दिखाने के लिए और भी बहुत कुछ है, ज़रा मेरे साथ रहिएगा। अब हमारे साथ कुछ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि बहरिया टाउन में, ये मेरा कोई इस हवाले से कोई, ये मेरा तीसरा प्रोग्राम है, तीन के तीन प्रोग्राम जो है एक शख्सियत के साथ मैंने किए हैं, इनसे बात ना करूं तो मेरे ख्याल में कि बहरिया टाउन आने का मेरा कोई फ़ायदा होता नहीं। कमांडर जुल्फकार साहब, कमांडर जुल्फकार साहब आपके साथ ये मेरा तीसरा प्रोग्राम है। आप जानते हैं कि आपके और मेरे दरमियान जो ये हमेशा किसी हवाले से जब बहरिया टाउन के हवाले से हम कोई प्रोग्राम करते हैं उसकी सबसे स्पेशल चीज़ क्या है, बता सकते हैं आप? इसे बाद में सवाल करूँगी डैम के हवाले से, पहले ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम, पहले तो मैं आप सबका बहुत मशहूर हूँ कि आप हमें टाइम भी देते हैं और बहरिया टाउन को जो टाइम देते हैं स्पेशली, सबसे अच्छी बात है कि जो आप लोगों ने पहले कहा कि जहाँ पे जो हमें सुकून महसूस होता है वो कराची में कहीं नहीं होता, तो ये इतनी सारी ग्रीनरी को देखे आप लोग वैसे ही खुश हो रहे होते हैं। तो नहीं, एक और ज़बरदस्त जो है ना वो चीज़ है वो ये है कि जब भी इनके साथ मैंने प्रोग्राम किया किसी ना किसी कॉज के ऊपर, किसी ना किसी
नेक मकसद के लिए जो है जो काविश यहाँ पे होती है उसके हवाले से हमने प्रोग्राम किया, चाहे वो कराची को साफ करने के हवाले से हो, चाहे वो ग्रीनरी के हवाले से यहाँ पर पौधे लगाने के हवाले से हो, या फिर डैम बनाने के हवाले से हो। जब भी कोई बात होती है पाकिस्तान की कराची के लिए, बेटरमेंट के लिए, जो भी काविश यहाँ पर होती है उसके हवाले से आपकी मेरी मुलाकात होती है और इसी जगह पर होती है। अभी आप ये बताएं कि डैम बनाना ज़ाहिर है कि एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम ये नहीं कह सकते कि नागुज़ीर है। अब ये मतलब जीने मरने का मामला हो गया है, पाकिस्तान की बका का जो सवाल है वो इस डैम बनाने से मुंसलिक हो गया है। इस चीज़ को यहाँ पे कितना सीरियस लिया गया है? जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। पहली बात तो यह है कि जिससे आपने कहा कि हमारा और आपका जो ताल्लुक रहा या जो मुलाकातें रहीं वो किस मकसद के लिए, वो तो पहले जो मुलाकातें हुई वो तो एक टास्क था, वो नेक काम जो बहरिया टाउन को दिया गया उस पर हमने किया। अभी मैं एज ए रेजिडेंस बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रह रहा हूँ और ये सारे रेजिडेंस मिल के इन्होंने एक बात की कि हम इस मिशन में क्या काम कर सकते हैं। ये जो इतना बड़ा बेड़ा उठाया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, तो हम क्या कर सकते हैं। तो उस पर हमने मिलजुल के एक बात कही कि हम ये स्टार्ट कर लेते हैं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा जो भी हम इस पर दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि बहरिया टाउन इट्सेल्फ ये कोई आसान काम नहीं है। बहरिया टाउन ने कैचमेंट एरियाज़ बनाए हुए हैं जहाँ पर जब बारिश होती है तो उन कैचमेंट एरिया में पानी हम जमा करते हैं। उस पानी को, जो जमा हुआ पानी है, उसको हम किसी और हिसाब से यूज़ भी करते हैं अपने इरिगेशन में, बाकी सिस्टम में भी। उसके साथ साथ जो हमें वाटर बोर्ड की तरफ से जो पानी मिलता है वो सिर्फ एक 6 लाख गैलन है जो पर डे के सवाल से, 6 लाख गैलन इतने बड़े बहरिया टाउन के लिए कुछ भी नहीं है। और हमारे पास जहाँ से जब ये डमलोटी से जो पानी आता है उसके साथ साथ आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर बोरिंग किए हुए, बोरिंग का पानी हम मिक्स करके TDS और SP लेवल जो है वो हम मिक्स करके एक इतना लेके आते हैं, इसलिए कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो पानी पीने का जो यूज़ करते हैं वो मिनरल वाटर यूज़ करते हैं जो बाहर से आता है। वेयरएस जो हमारे वॉशरूम में, बर्तन धोने में, कपड़ों को धोने में जो पानी यूज़ होता है वो ये पानी हमारा यूज़ होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूँ कि बहरिया टाउन ने यहाँ पर एक सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया हुआ है। हमारी डेली की जो कंजप्शन होती है, जो पानी हम यूज़ करते हैं उसको जब हम रीयूज़ करते हैं तो वो भी तकरीबन 1 मिलियन गैलन जो है ना वो हमारा रीयूज़ हो रहा होता है डेली के हवाले से। ये वो है जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जितना भी हमारे पास सीवरेज वाटर आता है उसको हम ट्रीट करके उसको हम दोबारा से रीयूज़ कर रहे होते हैं। दुनिया कह रही होती है कि जी आखिर ये इतना हरा भरा क्यों है, तो हरा भरा रहने के लिए आपको कोई प्लान बनाना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन हैज़ गॉट दी मैनी प्लान्स फॉर दिस ऑल्सो, और फ्यूचर में भी इंशाल्लाह ताला वी हैव गुड प्लान्स फॉर दी वाटर कंजर्वेशन। कमांडर साहब ये बताइएगा कि बहरिया टाउन इतना बड़ा है, मैं बता ये कह सकते हैं हम लोग कि अपनी ज़ात में एक पूरा शहर जो है वो एक ही जगह आबाद है, आपका और इनका जज्बा तो समझ में आता है, बाकी लोगों में भी क्या यही जज्बा है जो यहाँ पे रिहाइश पजीर है? अल्हम्दुलिल्लाह देखें, पाँच उंगलियाँ बराबर तो नहीं है। यहाँ पे ये बच्चे आपको जब ये निकले हैं तो ये एक उम्मीद लेके निकले हैं कि हमें इंशाल्लाह ताला हर जगह से एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, और उम्मीद है कि यहाँ पे जितने लोग हैं वो सारे पॉजिटिव सोच रखने वाले हैं। जो लोग ओवरसीज़ हैं दे हैव दी पॉजिटिव थिंकिंग टू। हमने ये काम या स्टेप उठाने से पहले 10,000 मरतबा सोचा कि क्या हम इतना हैंडसम अमाउंट जमा कर पाएंगे या नहीं, इसलिए कि जब आप चेक देने के लिए जाएं चीफ जस्टिस को तो कम से कम और कुछ नहीं तो आपके पास 1 मिलियन तो हो, जो कोई मैना तो रखे ना, तो फिर बात समझ में आती है। तो इस पे अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ पे रह रहे हैं उन्होंने क्या किया कि अपने ओवरसीज़ वालों से भी कॉन्टेक्ट किया, जिनके यहाँ पर प्लॉट्स लिए हुए हैं, जिनके यहाँ पर घर लिए हुए हैं, उनसे भी चंदा मंगवाया है, ठीक है, जो इनको मिलेगा आस्ता आस्ता ये सारी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी ज़ुल्फ़िकार साहब से मज़ीद भी बात हम लोग करेंगे, लेकिन ज़रा थोड़ा सा आगे, क्योंकि आज आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है, टाइम मेरे प्रोग्राम का कम है, दिखाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल में कि मैं भी ज़रा बातें कम करूँ और आपको दिखाऊँ ज़्यादा। लेकिन वक्त हुआ है इस वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है, मेरे साथ रहिएगा।
खबरें के बाद खुश आमदेद। मैंने आपसे कहा था कि आज आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है। क्यों खास मुझे आज का ये मौका लगा? इस वजह से लगा क्योंकि आज ना उस डैम के लिए, वो जो एक डैम सिर्फ इन लोगों के लिए नहीं है बल्कि आने वाली हमारी पूरी नस्ल के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, रहती दुनिया तक जो है इंशाल्लाह ताला, जब तक क़यामत बरपा नहीं हो जाती तब तक पानी का ज़खीरा इतना हो जाएगा हमारे पास कि कमी नहीं होगी। इसके लिए डैम बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हम लोग आपको शुरू से बता ही रहे हैं। इन लोगों को मालूम है कि वो पानी सिर्फ इनके लिए नहीं है, लेकिन यकीन मानिए कि इन्होंने उसके लिए जो एफर्ट्स की हैं वो देख के बड़ी खुशी हो रही है। एक कॉज को कॉज समझा गया है और यहाँ पर उससे रिलेटेड इतनी एक्टिविटीज़ का अहतमाम किया गया है और इतने ज़ौक और शौक के साथ किया गया है कि वाकई में लग रहा है कि एक कौम के लिए, किसी एसेट को बनाने के लिए, किसी एक जज्बे के साथ, एक जोश के साथ और पूरे कंसर्न के साथ सिर्फ इसको कॉज नहीं समझा जा रहा है, इसको जीने मरने का मकसद समझा जा रहा है डैम बनाने को। तो यहाँ पर जो असातज़ा हैं, बड़े हैं और जो घर जितने भी मैंने देखा है यहाँ पर, चाहे मर्द हो या ख़वातीन हो, और वो घर घर जाके जिस तरीके से डोनेशन जो है वो ले रहे हैं डैम के लिए, इसी तरीके से दया मेर भाषा डैम जो है, बच्चे जो हैं वो भी किसी से पीछे नहीं है। अब बच्चों ने कहा कि हम अपने लेवल तक क्या करें, बच्चों ने अपने वो जो गुल्लक होते हैं जो जिसमें वो बच्चे छोटे छोटे अपनी जो सेविंग करते हैं वो तक इन्होंने दे दिए। यहाँ पे मुझे भी नज़र भी आ रहे थे प्रोग्राम के दौरान, आपने देखा भी होगा। इसी तरीके से बच्चों ने कहा कि हम लोग अपनी एक्टिविटीज़ का अलग से अहतमाम करेंगे। मैं जब से यहाँ पर आई हूँ ना, मुझे बड़ी कुछ हौसला अफजा चीज़ें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप लोगों को मैं देख रही हूँ सुबह से, आप लोग बस आप काम काम कर रहे हैं इस हवाले से, तो कैसी रही आज की, क्योंकि अब तो ज़ाहिर है कि रात तकरीबन हो चुकी है, पूरे दिन एक्टिविटी ये चलती रही है, कैसा लगा? बहुत मज़ा आया हमें, हमने बहुत इंजॉय किया इस चीज़ को और हम बस डैम वगैरह के लिए हेल्प कर रहे हैं, हमने डोनेशन वगैरह जमा किया और बस हम सब हेल्प कर रहे हैं पाकिस्तान। ज़रा हैक्टिक था ये, क्योंकि मैं भी सुबह से आपके साथ लगी हुई हूँ इस वक्त, तो मुझे भी मालूम है कि थकन हो जाती है थोड़ा सा, बंदा जो होता है ना वो इतनी एक्टिविटी और पूरे दिन की जब होती है उस वक्त वो ज़रा नेचुरली ये के होता है कि बंदा ज़रा थक भी जाता है, थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी हो जाता है। आप लोग माशाल्लाह अभी तक स्माइल कर रहे हो। नहीं, ये हम पाकिस्तान के लिए, वी आर डूइंग दिस फॉर द वाटर, टू सेव वाटर, और हम लोग ये डैम्स बनाने कर रहे हैं तो इतना हेक्टिक नहीं है, हेल्प कर रहे हैं तो वी आर डूइंग दिस टू सेव वाटर। यानी आपको लग रहा है कि आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, इस वजह से आपको हेक्टिक नहीं लग रहा? ये होता है, ये मैं अपने दुश्मन जो नज़रें गाड़ के रहते हैं ना पाकिस्तान की सालमियत पर, वो देख लो हमारा मुस्तकबिल किन के हाथों में है, वो कह रहे हैं पाकिस्तान के लिए कुछ भी मंजूर है, तो ऐसी कौम को क्या शिकस्त देगा कोई दुश्मन। आपको भी मैं देख रही हूँ कि आप भी यहाँ पे जो है वो अच्छा, ये बच्चा जो है मैं उसको देख रही थी, ये बच्चा माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा लंबा है और ये जो है ना ये बहुत अच्छे तरीके से जो है इसने डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए ये अपना किरदार अदा कर रहा है। सिर्फ डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हो या फिर डैम बनाने के लिए भी अपना किरदार अदा कर रहे हो? मैम, मैं कोशिश कर रहा हूँ इन दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलूँ, डिसिप्लिन भी बरकरार रखना है, डैम फंड में भी आप कंट्रीब्यूट करना है, तो अगर आप दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलें तो बहुत अच्छा होगा। मैं अपनी बेस्ट एफर्ट दे रहा हूँ कि दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलूँ। और आपकी बेस्ट एफर्ट नज़र आ रही है बच्चे, जीते रहो। और आप बताइएगा, मैं आपको भी देख रही थी, आप भी बड़े जोश खरोश के साथ जो थी ये डैम के लिए जो है फंड रेजिंग में जो है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि ये डैम फंड के लिए जो फंड रेजिंग है वो तो आपके बड़ों ने भी की, मैंने दिखाया है किस तरीके से, आप लोगों को क्या सूझा अचानक कि आप लोगों ने कहा कि हम भी अपने लेवल तक कुछ करेंगे? जो आपके पीछे ये नज़र आ रही है, मैं आपको कह रही हूँ ना, इनकी छोटी छोटी बच्चों की सेविंग ये मत देखिए कि कितनी सेविंग है, इनकी अमाउंट मत देखिए, इनकी नीयत देखिए, इनका जोश देखिए, इनका कंसर्न देखिए, ये नज़र आ रहे हैं। और ये यकीन मानिए, ये मेरी नज़र में एक एक जो इसे गुल्लक कहते हैं शायद मिट्टी का जो ये होता है, इसकी कीमत जो है ना वो किसी भी दूसरे मुल्क की पूरी मुल्क की कीमत से ज़्यादा बढ़कर है, जो सिर्फ एक इस छोटे से बच्चे ने जो अपने गुल्लक में ये सेविंग की होती है। तो ये मुझे बताएं कि आप लोगों ने क्या सोचा कि ये मतलब हम लोग ज़रा थोड़ा सा अपने लिए जो है वो एक जिस तरीके से एक फंक्शन होता है उसका भी हम अहतमाम करें अपने लेवल तक, हम लोग परफॉर्मेंस भी दें और ज़रा अपना यहाँ पर जाके जो है बड़ों को भी खींच के आप लोग लेके आ रहे हैं, तो ये आइडिया किसका था? मोटिव ये है बेसिकली कि 1947 में तो हम थे नहीं पाकिस्तान बनाने के, तो अब हमारी यूथ एटलीस्ट हम पाकिस्तान बचाने के लिए कुछ कर लें,
तो 1947 में जिन्होंने पाकिस्तान बना लिया, नाउ इट्स आर टर्न, इट्स आर यूथ, ये हमारा मिशन है कि हम पाकिस्तान को बचाएं। इन शॉर्ट, वाटर वाटर एवरीवेयर, सेव द वाटर इफ़ यू केयर, बस इतनी सी बात। और आपको तो मैं देख रही हूँ उस वक्त से आप डांस प्रैक्टिस की भी बच्चों को बेहतर जो है आप कोरियोग्राफी कर रही थी, तो ज़रा आज का दिन जो था वो ज़रा मसरूफियत भरा था आपके लिए, मैं देख रही थी सारा दिन से। तो ये मुझे बताइएगा कि आपको अंदाज़ा है, देखें आपके घरों में तो पानी आ रहा है और मुझे पता है आपके घरों में पानी ख़त्म ही नहीं होगा, आपको अंदाज़ा है इस चीज़ का कि बाकी जिन इलाकों में पानी नहीं आ रहा वो किस तरीके से पानी के बगैर ज़िंदा रह रहे हैं, और पानी की कमी की जो शॉर्टेज है, पानी की वाटर शॉर्टेज कितनी एक बड़ी एक मसला बन चुका है, और आने वाले दिनों में अगर इसको हल ना किया गया तो खुदा ना खासा पाकिस्तान जो है वो महरूम हो सकता है, वो उन खुश्क साल जो है वो कहत ज़्यादा इलाकों में हो सकता है जिसमें पानी जो है वो नापैद हो जाता है। इस चीज़ का अंदाज़ा है आपको कि आप मतलब बाकी पाकिस्तान के लिए ये कितना ज़रूरी है? वाटर शॉर्टेज की वजह से ही हमने सोचा कि एक डैम बनाना चाहिए, और हमें ये इवेंट रखने का ही यही मकसद था कि हम लोगों को पता चले कि डैम बना तो लें मगर फिर कंजर्व भी करना है वाटर को। शावर ले रहे हैं, पानी खुला हुआ नहीं, ये बात नहीं, आप 10 मिनट का शावर 2 घंटे में लेना ज़रूरी नहीं है, 2 मिनट का शावर 2 मिनट में भी लिया जा सकता है, कुछ बाकी हमको भी हमें देखना चाहिए। तो इसका अच्छा आपको ये ज़ाहिर है कि आप लोग तो अभी ऐसी एज में हो कि ज़ाहिर आप लोग न्यूज़ चैनल नहीं देखते होंगे, मुझे मालूम है, या कभी कभी देख लेते होंगे कोई अपनी क्रिकेट की या फिर स्पोर्ट्स की खबर देखने के लिए। ये मुझे बताएं कि आपको किसने इतना गाइड कर दिया, इतना नॉलेज आपके जहन में आपको कितना दे दिया, किसने दे दिया इतना कि आपको ये पता चल गया कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम और आने वाले दिनों में जो है वो पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी? द पीपल अराउंड अस आर टीचर्स, लाइक एक दफ़ा ये बन चुका है कि भाई पानी बचाना है, हम लोग कुछ पढ़ भी रहे होते हैं उसमें तो वाटर शॉर्टेज, तो ये रियलाइजेशन हमें डाल दी गई है कि भाई पानी कमी है और आप लोगों को बचाना है, अभी से बचाओगे तो फिर बाद में आपकी आपको उसका मसले नहीं पड़ेंगे। आप बताएं कि आप पानी की शॉर्टेज तो है अभी भी है, और जाहिर है कि जब तक डैम नहीं बनता तब तक बहुत ज़्यादा है, आप पानी के इस्तेमाल में दोनों, ये मैं दोनों से सवाल कर रही हूँ, आप लोग एहतियात करते हो पानी के इस्तेमाल में? ज़ाहिर सी बात करते हैं कि हमें तो पता है कि शॉर्टेज होगी, हो रही है लाइक, तो हमें तो अभी भी करना पड़ेगा और अभी करना भी चाहिए। और आप? मैं इतना ज़्यादा तो नहीं करती अब क्योंकि आदत बना रही हूँ, ऐसा ऐसा जैसे शावर में हम करते हैं गाड़ी धोते वक्त, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि खुद की भी आदत बनाऊँ कि पानी का जो वेस्ट हो रहा है उसको कम करूँ और दूसरों को भी रोकूँ कि पानी का वेस्ट ज़्यादा ना हो। ये है हमारी नई नस्ल, आप बेफिक्र रहिए, नई नस्ल जो है हमारी पाकिस्तान संभालने के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी आपने देखा होगा, देख लिया होगा अब तक प्रोग्राम में कि हमारे जो आने वाली नई नस्ल है उसको अच्छे तरीके से पता है उसके आने वाले मसाइल क्या हैं, तो उनको कोई ये हल्का ना ले, उनको कोई लाइट ना ले कि हमारी नई नस्ल जो है वो तो बिल्कुल ही बेपरवाह है, उनको सबसे ज़्यादा परवाह है पाकिस्तान की। और जो इस बच्ची ने ये बात की है कि हमें सिर्फ डैम बना के फारिग नहीं होना, डैम तो जब बनेगा सो बनेगा, और डैम बनने के बाद ये मत समझिएगा कि डैम बन गया तो बस अब पानी की शॉर्टेज खत्म, नहीं, हमने पानी का इस्तेमाल आज से ही बड़े एहतियात से शुरू करना है। मुझे मालूम है कि बहुत से इलाकों में तो पानी आ ही नहीं रहा, जिन इलाकों में पानी आ रहा है ना वहाँ पे भी मैं देख के आई हूँ माजरत के साथ, आपको कई दफ़ा जो है अपने प्रोग्राम में मैं आगाह कर चुकी हूँ, जिस दिन पानी आने का दिल होता है ना कभी आप गलियों की हालत ज़रा देखा करें, हम पागल हो जाते हैं पानी को देख कर, और हम जो है उसका बेदरेग इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, ज़ाया करते हैं पानी को, उस पानी को जो आने वाले दिनों में शायद अगर डैम ना बने तो खुदा ना खास्ता वो हमारे नसीब में नहीं होगा, खुदा ना खास्ता वो पानी, उस पानी को हम लोग अपने हाथों से ज़ाया कर रहे होते हैं। ये बच्ची ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि सिर्फ डैम बनाना नहीं है, डैम को संभालना भी है, और आज से ही आप पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़रा देखभाल के शुरू कीजिएगा, और ये सोच कर कि आपका बचाया हुआ पानी शायद किसी दूसरे आपके भाई बहन के लिए काम आ जाए जिनके इलाकों में पानी नहीं आ रहा। छोटी सी एक और ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपसे मुलाकात होगी, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा। इससे पहले
मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज का दिखाने का आपको बहुत था, लेकिन प्रोग्राम का जो एक वक्त है वो महदूद था। वरना यहाँ पे इससे पहले जो था वो अवेयरनेस के लिए जो है बच्चों के साथ सामने खासतौर पर कुछ वाइल्ड लाइफ की इंफॉर्मेशन जो था वो उसको जो था वो शेयर किया गया था। बहुत से इबहाम दूर हो गए, वो एक अलग मामला है। हम बात करेंगे दोबारा से उसी मौजू पे जो फोकस हम करने के लिए आए हैं, डैम के लिए जो फंड रेजिंग की है बहरिया टाउन ने। मैं आज बड़ी मुतासिर हुई हूँ इस बात से कि अगर किसी मकसद के लिए जो है संजीदगी से कोशिश की जाए और उसको समझा जाए तो कॉस्ट कितना भी मुश्किल हो, जब ये डैम बनाने का फैसला हुआ था और जो कॉस्ट सामने आई थी तो सब ये कह रहे थे कि मुमकिन नहीं है कि डैम बन सके, इतनी बड़ी पाकिस्तान जैसा जो पहले ही क्राइसिस का शिकार है कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे। मामला छोटी मोटी रकम का नहीं था, बहुत बड़ी रकम का था। सवाल पाकिस्तान की बका का था, पानी का था, बिजली का था, मतलब पाकिस्तान की बका से मुंसलिक था ये सवाल। लेकिन फिर पाकिस्तान की आवाम ने ये फैसला जब सामने आया तो आफरीन है पाकिस्तानी आवाम पर, चाहे वो मुल्क में थी या मुल्क से बाहर बैठी हुई थी, उन्होंने ऐसा लबैक कहा कि उसकी एक मिसाल सिर्फ मैं आपको छोटी सी मिसाल दिखाने के लिए आई हूँ। अब लग रहा है कि वाकई डैम बन सकता है, वरना कॉस्ट जितनी थी लग नहीं रहा था, अब लग रहा है कि इंशाल्लाह ताला मुमकिन हो सकता। और मुझे तो यहाँ पर आके ऐसा लग रहा है कि अगर इसी तरीके से हम लोग आगे चलते रहे तो 9 साल नहीं बल्कि इससे पहले इंशाल्लाह ताला जो है वो डैम बन सकता है, अगर इसी जज्बे के साथ हम लोगों ने फंड रेजिंग शुरू की और जिस तरीके से हम इसे आगे लेके जाएंगे इसी जज्बे के साथ मुमकिन है बहुत ज़्यादा। मैंने बच्चों से आपकी बात कराई, स्टूडेंट से आपकी बात कराई, कमांडर जुल्फकार साहब से आपकी बात करवाई। अब बात करते हैं उन फैमिली से जिन्होंने इसके लिए जो है वो इस आवाज के ऊपर लबैक कहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डैम बनना आपके ख्याल में वैसे तो होना तो ये चाहिए था कि डैम बन जाने चाहिए थे अब तक, डैम अब जो बनाने का द्यामेर और भाषा डैम को बनाने का ये जो लिया गया है फैसला, कितना आपको लगता है कि ये ज़रूरी है? जी डैम पाकिस्तान तो सब पाकिस्तान में पानी की देखिए कितनी किल्लत है, और हम लोग इस्लामाबाद से कराची आए हैं और यहाँ आके वाकई में वहाँ पे भी होती है किल्लत गर्मियों में जब बरसात वगैरह नहीं होती, लेकिन यहाँ जो टैंकर्स और ये सब कुछ और खारा पानी यहाँ बहुत ज़्यादा किल्लत है और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ही बहुत ज़्यादा किल्लत है पानी की, तो डैम बनना नहायत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। डैम बनाने के लिए एक रकम जो सामने आई थी कि तखमीना लगाया गया था कि इतनी रकम चाहिए तो होश उड़ गए थे कि इतनी रकम हम कहां से लेकर आएंगे, हुकूमत के खजाना तो ऑलरेडी खाली हुआ हुआ है, कैसे बनेगा डैम, बनेगा तो बनेगा कैसे। लेकिन वही हुआ कि जब पाकिस्तानी आवाम से जो था उसको जो था वो पुकारा गया एक मरतबा फिर, लोगों ने आम आवाम ने चाहे उन्होंने 10 रुपये दिए हों, 10 लाख दिए हों, 10 करोड़ रुपये दिए हों, लेकिन उन्होंने इस मसले को वाकई पाकिस्तान के लिए मसला समझा। आपने भी इसी तरह समझा मसला? बिल्कुल सही आपने फरमाया कि ये अवेयरनेस बहुत पहले होनी चाहिए थी, जैसा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, लेकिन बहरहाल अब हमें होश आ गया और अब हम लोग जाग गए हैं। आप देखें कि जहां इस सिलसिले में कोशिशें हो रही तो बहरिया टाउन के रेजिडेंट्स ने भी इसमें अपना हिस्सा डाला है और बहुत ज़्यादा डाला है। ये दूसरी मरतबा, एक मरतबा इस्लामाबाद में हमने पेश किया हमको चेक, और एक मरतबा कराची में पेश किया, और अब उम्मीद हो चली है कि ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाएगा। तो मैं सिर्फ इतनी बात आपसे कहना चाहूँगी कि हम जब बात कर ही रहे हैं डैम के हवाले से तो हुकूमत ने जिस और चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो जिस तरीके से आम आवाम को भी, अब देखिए ये मत सोचिएगा कि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, मैं इतना अमीर थोड़ी हूँ या मैं इतनी अमीर थोड़ी हूँ कि मैं इसके लिए जो है वो लाखों रुपये दे सकूँ, हज़ारों रुपये दे सकूँ। मत दीजिए हज़ारों रुपये, मत दीजिए लाखों रुपये। आपके पास अगर 10 रुपये हैं वो 10 रुपये SMS करके आप उसमें अगर दे देंगे तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन शामिल हो जाएगा इसमें। अगर बच्चे सुन रहे हैं, आज बच्चों को देख के भी बड़ी खुशी हुई, बच्चे तक मैं कह रही हूँ कि अगर आपको लगता है आप अपने हर महीने अगर आप 10-10 रुपए के हिसाब से भी, या अगर आपकी कैपेसिटी अगर आपको वाकई लग रहा है कि ये इतना बड़ा मसला है और आगे चल के इसके लिए हमें करना है हर सूरत में अपनी आने वाली नस्ल के लिए, तो अपने हर महीने में कम से कम एक मरतबा अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स के नाम के 100-100 रुपए एक ही जगह पे आप जमा करें और महीने के आखिर में जो है वो डैम के उस पर डाल दें, आपको पता भी नहीं चलेगा और डैम के लिए आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन जो होगी वो शामिल हो जाएगी। एक और खातून जो है वो मुझे नज़र आ रही है, मुझे सुबह से नज़र आ रही है, बड़ी एक्टिव है, बड़ी मुश्किल से ये मेरे हत्ते चढ़ी हैं। पहले तो ये बताइए इतनी एनर्जी कहाँ से लेके आई आप? मैं सुबह से आपको देख रही हूँ आप डैम के लिए जो है, और जबकि मैं आपको जब देख रही थी मैं कह रही थी कि आप तो बिल्कुल एक घरेलू सी खातून है, लेकिन आपने इतना ज़्यादा इसके लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया,
ये डैम कितना ज़रूरी है आपकी नज़र में? क्या आपको वाकई ही में लगता है कि अगर कुछ सालों तक डैम नहीं बने तो पाकिस्तान, आपकी जो हमारी नसल है जो सामने बैठी हुई है, ये पानी शायद इस तरीके से इनके नसीब में नहीं? पानी असल में ज़िंदगी है हमारे बच्चों की, हमारे आने वाली नस्ल की। और यही सोच के हमने कि जी हम बहरिया टाउन में आए हैं, हालांकि यहाँ पे हमें पता है कि मलिक रियाज साहब जो हैं वो उन्होंने जो हमारे पीने का पानी का इंतज़ाम किया, उसके अलावा बोर कर कर के बहुत ज़्यादा उन्होंने ये ग्रीन किया इसको। तो ज़ाहिर है ये सारी रौनकें पानी से हैं, दुनिया के हर चीज़ पानी से ही रौनक है। अब तक पता नहीं क्या गवर्नमेंट का क्या वो था कि किसी ने नहीं दिया ध्यान। हम लोगों ने तो इस पर बहुत ज़्यादा कोशिश की है। एक एक घर में, हज से आई बहुत थकी हुई थी, बीमार थी, दूसरे दिन से हमने ये मूवमेंट शुरू हुई है फंड रेजिंग की। तो हम दिन रात लगे हैं, लोगों ने हमारी बहुत इंसल्ट भी की है, कई लोगों ने, बहुत से लोगों ने हमें हौसला भी दिया है, लेकिन हम लोग दिन रात इसी में लगे हुए हैं। हमारे बच्चे, मेरे बेटे की अभी उसने इंटर्निंग है, उसे पहली पे मिली, उसने पूरी पे डाली, बड़े बूढ़े सब लोग हम इसमें लगे हुए हैं। और इंशाल्लाह हमारा मतलब एक, हमने अपना एक चैलेंज बना लिया अपने लिए ना, कि जैसे मतलब प्राइम मिनिस्टर का है, या सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा हम चीफ जस्टिस को देख रहे हैं इस चीज़ में। तो ये हमारी तस्वीरें भी बनी हुई हैं, कल भी हमने जाके उनको दिया है फंड। देखिए चीफ जस्टिस साहब, मैं ये आवाम से भी कहना चाहूँगी और मैं आपसे भी कहना चाहूँगी, चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला लिया है, अब चीफ जस्टिस साहब हमेशा के लिए सीट पर नहीं रहेंगे, इनको रिटायर होना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि इनकी रिटायरमेंट के बाद आपका हाथ रुक जाए। नहीं देखें, ऐसा ना हो, लीडर हर चीज़ में ज़रूरी होता है, बगैर लीडर के, बगैर किसी उसके, कौम अकेली नहीं चल सकती। जितना ज़्यादा इसमें लीडरों की वो होगी, चीफ जस्टिस ज़ाहिर है मुल्क का बहुत बड़ा उनका नाम है और उनकी हैसियत है, और प्राइम मिनिस्टर की, वो आगे होंगे तो हम ज़रूर करेंगे। अगर कोई करने वाला ही नहीं होगा, कोई पहले की तरह ऐसे ही फ़ंड जमा हो रहा है और फ़ंड इधर उधर हो रहा है, ज़ाया हो रहा है, तो फिर तो कौम का भी हौसला टूट जाता है ना। इस वक्त हम इस हौसले से खड़े हैं, हमें लगता है कि इमरान खान भी मतलब बहुत ज़्यादा चाहते हैं कौम के लिए करना, और वो भी चाहते हैं, तो हम तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। बहुत शुक्रिया बात करने का। और आपने हज के बाद, एक हज करने के बाद आपने समझ लें कि ये दूसरा जो है वो आवाम के लिए जो था, वो आपने हज की जो थी वो उसी सवाब के मुताबिक आपने तैयारी की। पानी का इंतज़ाम करना, पानी के लिए एफर्ट करना, इस वक्त जो है वो समझ लें कि अल्लाह ताला के हाँ उसका अजर मिल सकता है। जो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए ये डैम जो है ना, ये ज़रूरत पाकिस्तान की तो आज से बहुत साल पहले ही इसकी ज़रूरत महसूस की गई थी, लेकिन हुआ फिर ये कि कभी किसी ने जो था वो अलम बगावत जो था वो बुलंद कर दिया इस मुतालबे पे, कभी कोई बनने नहीं दे रहा था, कभी कोई बनने नहीं दे रहा था, लेकिन आज पूरी कौम फोकस है सिवाय चंद लोगों के, कि जो ये कहती है कि डैम बनने चाहिए, डैम बनना ज़रूरी है। आपको लगता है कि वाकई ही में डैम इस वक्त ज़रूरत है पाकिस्तान? पानी किसकी ज़रूरत नहीं, पानी तो बेसिक नेसेसिटी में, आप एक दिन बगैर पानी के, आपकी मोटर ही ख़राब हो जाए तो आप देखें आप किस तरीके से गुजारा करेंगे। पानी के बगैर तो ज़िंदगी है ही नहीं, वो चाहे छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, आप इख्तलाफ करें या आप ना करें, पानी का तो कोई पॉलिटिकल उसका इख्तलाफ है ही नहीं पानी से। पानी बनना, बिल्कुल डैम बनने चाहिए, बाकी मुल्क सब बना रहे हैं, कर रहे हैं, एक हम ही हैं जो इन लड़ाइयों में और इन सब इख्तलाफात में पड़े हुए हैं। हमारे देख लें आस पड़ोस सब ने ही डैम बना लिए और हमें उसमें मुसीबत में ही डाला, तो इसलिए ज़रूर बनना चाहिए डैम। आपको भी यही लगता है जैसे ये फरमा रही हैं कि हमें तो फिर दूसरी तरफ कोई पॉलिटिकल, कोई दीगर उज़र जो है वो हमें कबूल करना ही नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि नस्ल बचानी है, पाकिस्तान बचाना है, पानी चाहिए भाई, डैम बनेगा? देखें डैम तो बनने चाहिए, पाकिस्तान में बने भी हैं, तरबेला है, मंगला है, और काफ़ी डैम है जो पाकिस्तान में बने, ये भी बनेंगे। फंड्स का इशू एक था पाकिस्तान में, क्योंकि इट्स नॉट ईजी रियली टू बिल्ड डैम, और उसकी जगह और बाकी तमाम चीज़ों के भी इशूज़ रहते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने अच्छी कोशिश की है, एक स्लोगन दिया है लोगों को, ये डेफिनेटली जनवरी में चले जाएंगे, मैं आपकी बात सुन रहा था, उसके बाद ये किस तरह कंटिन्यू होता है देर इज़ अ बिग क्वेश्चन, उसकी प्लानिंग देखना चाहिए कि वो लोग क्या करते हैं, इसको कैसे लेके चलते हैं। लीडर नहीं होता तो बात आगे नहीं बढ़ती, तो उसकी लीडरशिप किन लोगों के हाथ में देते हैं, कौन सी कमेटी बनाते हैं, बिकॉज ये तो पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर जब चीज़ें जाएंगी तो जो लोग भी मेहनत कर रहे हैं ये सब कुछ ज़ाया हो जाएगा। कंटिन्यूटी के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ इसकी कमेटी या कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग, क्या सोच रहे हैं, कैसे चलेगा वो चलना चाहिए, ताकि जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत ज़ाया ना हो। बहुत शुक्रिया बात करने का। तो किस्सा मुख्तसर, ये सारा दिन आज हमने इस डैम फंड के लिए जो एफर्ट की गई, और तकरीबन जो है वो 16 लाख से ज़ायद का अमाउंट जो है वो कलेक्ट किया गया और पेश किया गया है। 16 लाख बहुत हैंडसम अमाउंट होता है।
इससे ज़्यादा का अमाउंट बन रहा है, लेकिन हम चले 16 लाख भी अगर हम देखते हैं तो ये अच्छा अमाउंट है। ये सिर्फ अगर इस जगह पर लोग जो हैं वो मिलकर ये सब कुछ कर सकते हैं तो ऐसे बहुत से इदारे हैं, बहुत से महकमे हैं, बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं कि अगर आप उस लेवल तक इसी तरीके से फंड रेजिंग करें तो यकीन करें कि कतरा कतरा मिलके जो है वो दरिया बनता है। और लेकिन यहाँ पर तो खैर हमें समंदर की ज़रूरत है, जितना अमाउंट हमें चाहिए हमें समंदर की ज़रूरत है, दरिया नहीं चाहिए, समंदर चाहिए। और ये उसी वक्त बन सकता है जब हम अपने अपने हिस्से का काम करेंगे, अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन जो है वो हम लोग जो हैं वो इस डैम फंड के लिए जो है वो हम जो है उसके हवाले से अपनी जो काविश है वो सामने लेकर आएंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस वक्त जो है ना वो बड़ा हमारे ये एक हम बहसे थे कौम हमारे साथ मसला है। हम किसी काम को शुरू तो बहुत जोश व खरोश से करते हैं लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ग्रिप कमज़ोर होती जाती है हमारा जोश भी ठंडा होता जाता है। इस वक्त ग्रिप जो है ना वो हमारी आला अदलिया और हमारे चीफ जस्टिस साहब जो हैं साकिब निसार साहब, अब साकिब निसार साहब जो हैं उन्होंने ये जो डिसीजन लिया, इमरान खान साहब ने जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो है इस पर लबैक कहा, उनकी आवाज़ भर पर पूरी कौम ने लबैक कह दिया। तो अभी तक तो ये मामला ऐसा है, अब कुछ ये मामला है 9 साल का, तकरीबन 9 साल का अरसा जो है वो दरकार है। इस 9 साल में चीफ जस्टिस साहब भी रिटायर्ड होंगे और इस अरसे में इमरान खान भी जो हैं वो अपनी हुकूमत की मुद्दत अगर पूरी कर लेते हैं, अल्लाह करे कि पूरी करें, पूरी मुद्दत करने के बाद जो है वो भी जा चुके होंगे और एक दूसरी जो होगी जो भी इसके बाद जो इलेक्शन होंगे उसमें वो गवर्नमेंट आएगी, वो भी तकरीबन जो है वो टेक्निकली अपने 3-4 साल जो है वो गुजार चुकी होगी। ये 2 हुकूमतों का काम है तो ऐसा ना हो, ये बहुत पॉइंट जो है वो मजबूत किस्म का है, इस पर सोचना ज़रूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो जोश व खरोश से चल रहा है आगे चल के हमारे हाथ रुक जाए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका मैंने भी आपको प्रोग्राम में जिस तरीके से बताया है कि हर महीने आप एक काम करें, अपने अगर आपकी सैलरी आपका इनकम इतनी नहीं है आप अपने ख़ानदान अपने और अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स के नाम के 10-10 रुपये निकाल के ना आप हर महीने जो है वो कलेक्ट कर लें और वो जाके डैम फंड में दे दें। ज़रूरी नहीं है कि वो लाखों में हो हज़ारों में हो, जितना भी बनेगा अगर उससे ज़्यादा आपकी थोड़ी सी तनख्वाह है और आपकी इससे ज़्यादा इनकम है तो आप 100-100 रुपये निकाल लें, 50-50 रुपये निकाल लें, एक एक फर्द के नाम का जो है ना वो आप उसमें जमा करते रहें। एक दिन आएगा कि इसी तरीके से हमें भी पता नहीं चलेगा और डैम बन जाएगा इंशाल्लाह ताला अगर इसी तरीके से हमने किया। ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत हैवी अमाउंट देना है, कहीं ऐसी सोच कर आप अपना हाथ मत रोकिएगा, हाथ अब रुकना नहीं है, ये 9 साल निकाल लीजिए किसी तरीके से, 9 साल के बाद उसके बाद जब डैम बन जाएगा इंशाल्लाह ताला हमारी हम तो शायद जिस तरह जैसे तैसे हमने गुजार लिया, हमारी आने वाली जो नस्ल होगी ना वो प्यासी नहीं रहेगी। तो इस मैसेज के साथ जो है वो हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहे हैं, इस हवाले से यानी कि डैम बनाने के हवाले से जहाँ भी कोई काविश होगी, कोई इस हवाले से एफर्ट किया जाएगा, किसी भी किस्म की एक्टिविटी होगी हम वहाँ पर आपके साथ मौजूद होंगे। आप एक दफ़ा पुकार के देखिए। मैं साइमा कमल, मेरी टीम कराची की आवाज़ के साथ आपसे चाहती हूँ इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।